Assalamu alaikum students, how are you? My name is Maria and I'll be teaching you science. I hope you all are fine and I welcome you in your new class. Let's begin with our first chapter, which is understanding living things. Okay, yani ke samajhna living things ko insano ko ya jandaro ko. Sabse pehle aapne yahan par apna date likhna hai, 12 April 2021, aur today is Monday. Apne day bhi likhna hai, theek hai. Ab aap start karte hain padhna. Sabse pehle jo sa hai, hame ye samajhna hoga ki jandar kehte kaise hain. हमने जानदार उन्हें कहते हैं जो सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं. आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जानदार रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार हो सकते हैं. इसी तरह जानवर भी और फूल पौधे भी इस तरह से कर सकते हैं और वो शक्ल तब्दील करते हैं. आप देखते हैं कि जो से पौधे होते हैं, पहले वो उनके अंदर हम बीज डालते हैं मिट्टी में, उसके बाद वो थोड़े से एक पौधा एक शाख से निकलती है, ठीक है. उसके बाद उसके पत्ते आते हैं, थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि वो बड़ा होता है थोड़ा सा कद में. वो थोड़ा सा जब कद में बड़ा होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि वो कुछ दिन और गुजरते हैं तो वो बढ़ के एक फूल निकलने लगते हैं, उसके ऊपर फल निकलने लगते हैं और देखते ही देखते एक वो सायादार दरख्त की तरह बन जाता है. इट टर्न इंटू अ ट्री. सो ये जो सा होता है, उसकी शेप्स चेंज होती हैं एक जानदार की. इसी तरह ही आप देखें कि आपके जो से पेट्स होते हैं या एनिमल्स हैं, वो भी शेप चेंज करते हैं. पहले वो पपीज़ होते हैं, उसके बाद या कब्स होते हैं, उसके बाद वो एक मैच्योरिटी की तरफ आ जाते हैं विद इन 1 to 2 years में, ठीक है. ये जो सा होता है, ये क्वालिटी सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर ही पाई जाते हैं. नॉन लिविंग बींग्स इस तरह से नहीं होते. नॉन लिविंग बींग्स कौन से होते हैं? जैसे ये बुक जो एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकती. ये उठ सकती है क्या खुद से? नहीं. इनको मैं ही उठाऊंगी, हिलाऊंगी तो ये हिलेगी. जैसे आपके रेज़र हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, आपका पेन हो गया, आपकी ये बुक हो गई, इवन ये माइक्रोस्कोप जो सा नज़र आ रहा है, ये भी जो सा है ये खुद से नहीं हो सकता इधर उधर. ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता. तो ये चीज़ें जो सी होती हैं नॉन लिविंग बींग्स में आती हैं. चलें अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स हैव एटलीस्ट 5 फीचर्स इन कॉमन. जो उनसे जानदार हैं उनके अंदर 5 चीज़ें जो सी होती हैं मखसूस होती हैं, ख़ास होती हैं. कॉमन मतलब एक जैसी होती हैं. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये जो से हैं सेल्स से बनते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज. जो से लिविंग थिंग्स हैं वो बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और तब्दील होते हैं. चेंज का मतलब तब्दील होते हैं. लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी. इनको जो सा है ताकत की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट. ये जो सा होता है अपने इर्द गिर्द के माहौल, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप देखें कि अगर बारिश होती है तो हम लोग खुश होते हैं, हम फील करते हैं, ठीक है. लेकिन जो से रेज़र आपकी पेंसिल ये चीज़ें बिल्कुल भी फील नहीं करती. लेकिन जैसे आपके अब आप इवन ये देखें कि मौसम की तब्दीली या कोई भी गर्म नहीं सर्दी की तब्दीली आपको असरअंदाज करती है, आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है. इस तरह ही जो सा है ये लिविंग थिंग्स ही इस पर रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, अदरवाइज और कोई भी नहीं कर सकता. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. ये जो सा होते हैं रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, एक से दो, दो से तीन रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है, तादाद में. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये जो सा है सेल्स से बनते हैं. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स. सेल्स जो से हैं सबसे छोटे जो सा है हिस्सा होता है लिविंग थिंग्स के अंदर. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन ओनली सी देम विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप आपको पता है ये चीज़ होती है, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है. इससे ही हम सिर्फ देख सकते हैं एक सेल को, ठीक है. अदरवाइज जो से होते हैं आपको पता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स. आपने प्रीवियस उसमें हल्का सा इनका हमने थोड़े बहुत पढ़ा था एटम्स और मॉलिक्यूल्स का. वो भी आप जो सा है नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. इसी तरह ही ये जो से सेल हैं यानी कि खुलिए जो से हैं इनको कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, वो भी आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं नेकेड आई से, यानी खाली आंखों से नज़र नहीं आती चीज़ें, ठीक है. एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी प्लांट्स की और एनिमल्स की जो सा है ये सिर्फ और सिर्फ जो सा है
खुलियों से ही यानी सेल से ही बनती है। सम लिविंग थिंग्स आर सो स्मॉल दैट दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। सब कुछ जो उनसे जानवर हैं, कुछ जो उनसे लिविंग बींग्स हैं, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वो उनसे सिर्फ एक सेल पर ही मुश्तमिल होते हैं, वो एक सेल से ही बनते हैं, ठीक है। और लार्ज एनिमल्स हैव मिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज। लार्ज एनिमल्स यानी कि जैसे लायन है, एलिफेंट, जराफ, ये जो उनसे हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, मिलियंस यानी कि मिलियन से भी ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि इसके अंदर सेल्स होते से बने होती हैं इनकी बॉडी, ठीक है। अब ये जो उनसा है आप देखें कि अनियन का हमने लिया हुआ है 100 times लार्जर देन दे एक्चुअली आर। अनियन जो उनसा है उसके अंदर सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर में और ये 100 times बड़े नज़र आ रहे हैं देन दे आर, ठीक है। ये सेल्स जो उनसा हैं हमें माइक्रोस्कोप की मदद से नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर से आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आप लोग पहले इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम अच्छी तरह समझ लें, कोई क्यूरी हो तो मुझे बताइएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज जो उनसा है ये हम कल आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ तक आपने अच्छे से पहले इसको समझ लें, पढ़ लें, रीड आउट कर लें, कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।